उसी इंसान के अंदर एक होती है डार्क पर्सनालिटी, उसका वो चेहरा जो आज तक कोई नहीं देखा, एक वो इंसान जो कभी किसी को मार नहीं सकता और अचानक वो मर्डर कर देता है। देखो हर एक इंसान के अंदर तीन पर्सनालिटी ऐसी होती हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता, तो इन सभी पर्सनालिटी के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। और मेनली 6 पर्सनालिटी तो होती है जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। अगर आप नए हो तो प्लीज़ 20 सेकंड वेट करिए, अपन को अपने सब्सक्राइबर भाइयों से कुछ बात करनी है। तो भाई लोग अपने टॉपिक लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं अपने मन से एक वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद आपके द्वारा दिया गया टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए कम्युनिटी पोस्ट का वेट करो, बस इतना ही कहना था। देखो अब तो आप भी जानते हैं कि मेल्स की पर्सनालिटी होती है 6 टाइप की, सिग्मा अल्फा बीटा डेल्टा एंड गामा एंड लास्ट ओमेगा, और इनमें से हर एक यूनिक पर्सनालिटी होती है। मैं 3 पर्सनालिटी तो ऐसी बताने ही वाला हूँ लास्ट में जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, जिनके बारे में जानने के बाद हर एक इंसान के बारे में कुछ अलग सोच पाएगा। नंबर 1 सिग्मा मेल। सिग्मा मेल में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है लेकिन अल्फा मेल के कंपेयर में थोड़ा कम होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी एक कारण है। ये एक अच्छे कन्वेंसिबल इंसान होते हैं जिसकी मदद से ये किसी भी इंसान को अपनी बात को मनवा सकते हैं। ये ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना वैसे भी पसंद नहीं करते, आपको पता होगा सिग्मा के बारे में, इन्हें अकेला रहना पसंद है। ये वो इंसान है जो एक एक कदम होशियारी के साथ रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये लॉजिकल थिंकर होते हैं। आप इसकी पर्सनालिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर एक इंसान इनके जैसा बनना चाहता है। भाई देखो इन बंदों में दम होता है, ये जो कहते हैं वो करते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये दूसरे से ज़्यादा अपने करियर पर फोकस करते हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि इन्हें लव वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, एकदम ना के बराबर। लेकिन इनसे बेस्ट पार्टनर कोई भी नहीं होता क्योंकि ये लॉयल होते हैं। सच बोलूँ तो सिग्मा के बारे में जितना बोलो उतना कम ही है। और सेकेंड नंबर है अल्फा मेल। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है जो कि है कॉन्फिडेंस। इनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाली पर्सनालिटी अभी तक कोई नहीं है। ये बड़ी ही आसानी से एक कम्युनिटी को बिल्ड कर लेते हैं, काफ़ी सारे लोग इनको चाहने लगते हैं। इनके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटी होती है, वो भी नेचुरली। इनके अंदर एक ऐसी कमी होती है कि अगर किसी कंडीशन में इनकी बात गलत निकल जाती है तो उसे ये स्वीकार ही नहीं कर सकते। इनसे सॉरी कहवाना तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि ये सॉरी भी बोलेंगे। ये इस टाइप के इंसान होते हैं। मतलब अगर जो ये आम को इमली बोल रहे हैं उसमें कुछ सेंस बने या ना बने वो बात तो अलग है, बट अगर जो ये आम को इमली बोल रहे हैं तो उनके लिए वो आम इमली ही है, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं। जब ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होते हैं तो कुछ ज़्यादा ही एक ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, जिनकी वजह से ये थोड़ा थोड़ा गलतियाँ भी करते हैं। और यही सेम चीज़ सिग्मा मेल कभी नहीं करते, वो ओवर कॉन्फिडेंस में तो कभी आते ही नहीं हैं। सिग्मा मेल कॉन्फिडेंस में उतना ही आता है जितना कि उसे होना चाहिए। अल्फा मेल की जो लव लाइफ है ये भी ठीक ठाक चलती है, पर अच्छी नहीं है, केवल ठीक ठाक। इसका कारण तो आपको पता ही है, कॉन्फिडेंस। नंबर 3 पे आते हैं बीटा मेल। ये अकेले रहना पसंद करते हैं, ये नए नए दोस्त बनाना, ज़्यादा लोगों से बात करना इन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये अपने किसी भी काम को किसी भी इंसान के साथ करने से अनकम्फर्टेबल फील नहीं करते। ये अपने आप को ज़्यादा टाइम देना पसंद करते हैं फॉर द बेटर करियर। ये ज़्यादातर आपको सिंगल ही मिलेंगे क्योंकि ये अपने फीलिंग को ज़्यादा किसी के साथ शेयर कर नहीं पाते, क्योंकि उस कंडीशन में इन्हें थोड़ा नर्वस फील होता है। नंबर 4 है डेल्टा मेल। कुछ लोग होते हैं ना जो लगता है कि इस दुनिया के ही नहीं हैं, मतलब वो एकदम अलग होते हैं। किसी से बोलना ना किसी से बात करना ये तो दोनों एक ही चीज़ हो गया, बट असल में ये बाहर से जैसे लगते हैं वैसा ये होते नहीं हैं। अगर ये बुद्धिमान भी होंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअल में बुद्धिमान ही है। ये वो होते हैं जो बचाने से ज़्यादा मारने पर ध्यान देते हैं। इनका करियर जाए नाले में लेकिन फिर भी इनको बदला लेना ज़रूरी होता है। अगर जो इनके साथ कोई लफड़ा हो गया तो, चाहे वो लव लाइफ में हो या फिर चाहे जिस लाइफ में हो, तो ऐसे लोग अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाते और यही सभी चीज़ों के पीछे रह जाते हैं। नंबर 5 है गामा मेल। ये ऐसे इंसान होते हैं जिनके अंदर सभी पर्सनालिटी थोड़ी थोड़ी मौजूद होती है, पूरा नहीं थोड़ी थोड़ी। अगर जो ये इस टाइम पर मेरा वीडियो देख भी रहे हैं तो भाई आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन वाले मेल हो, तो आप समझ लेना कि आप गामा मेल ही हो। ये मौज मस्ती के साथ साथ एडवेंचरस भी होते हैं, और सबसे अहम बात इनके लिए ये होती है कि
कि ये एक रिस्पॉन्सिबल इंसान होते हैं। ये अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना जानते हैं। इन्हें नई नई चीज़ों को सीखना, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना, ऐसी चीज़ों करने में भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इन्हें। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि इन्हें भी सिग्मा मेल की तरह दूसरे के ओपिनियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया जाए भाड़ में, जो सच है वो सच है। और चीज़ों को ये खुद के नज़रिए से देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, बोले तो लॉजिकल थिंकर की तरह। जैसे कुछ लोग होते हैं कि किसी के बताए हुए चीज़ों पर वो विश्वास तब करते हैं जब वो खुद उस चीज़ को कर लेते हैं, तो ये भाई लोग उसी टाइप के इंसान हैं। नंबर 6 है ओमेगा मेल। असल में ये मतलबी किस्म के इंसान होते हैं। अब कम से कम अपने आप को कोई ओमेगा मेल तो नहीं बोलेगा। इन्हें मतलबी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्हें किसी भी इंसान का परवाह ही नहीं, बस कुछ लोगों को छोड़ करके, जैसे उनके दोस्त, उनके बेस्ट फ्रेंड, वरना ये किसी की परवाह करेंगे ही नहीं। इनका भी वही वसूल है, दुनिया जाए भाड़ में बट हम जो हैं वो है ही हैं। और जो इनकी लव लाइफ है वो इन्हीं की तरह बेकार है, क्योंकि अपने पार्टनर से ज़्यादा ये खुद को केयर करने में ज़्यादा टाइम देते हैं। लेकिन यार यहाँ पर ये मत सोच लेना कि ये सिग्मा मेल है, नहीं, ये तो सिग्मा मेल के इर्द गिर्द भी नहीं भटकेंगे। इनका करियर भी कुछ खास नहीं बन पाता। ये आपके क्लास का वो लड़का होता है जो सुनता तो है पर उससे कुछ हो नहीं पाता। ये लोग एक गुड लिसनर होते हैं, ये चीज़ों को सुनना पसंद करते हैं। अब सुन करके ये कुछ कर पाएं इसकी गारंटी तो मैं नहीं लेता, ये खुद ही ले सकते हैं। बट ये अच्छे सुनने वाले होते हैं, कोई ज्ञान दे रहा है तो उसे ये इग्नोर नहीं करेंगे, उसे सुनना पसंद करेंगे कि लाओ सुन लो, शायद फ्यूचर में ही कुछ काम ही आ जाएगा। तो भाई लोग सबसे मेन बात ये है कि ये जो पर्सनालिटी मैंने आपको बताया, ये आपके अंदर हो या ना हो, अब सबको लग रहा है कि वो सिग्मा मेल ही है, तो 100 में से केवल 10% या फिर 100 में से केवल 10 ही लोग ऐसे होंगे जो सिग्मा मेल होंगे। देखो सबको लगता है कि वो सिग्मा मेल ही है, और सबसे अमेजिंग बात है कि इन सभी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ कॉमन है। और दुनिया में हर एक इंसान, कुछ हो या ना हो, उसके अंदर सेम पर्सनालिटी पाई जाती है। सबके अंदर ये होता है, किसी के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी के अंदर थोड़ा कम होता है बस। और हम उसे इन 6 पर्सनालिटी में डिवाइड नहीं कर सकते। बट ये हुआ है वो चीज़ तो अलग है, बट हम नहीं कर सकते। देखो दुनिया में हर एक इंसान की 3 पर्सनालिटी होती है, सोशल पर्सनालिटी, पर्सनल पर्सनालिटी और डार्क पर्सनल पर्सनालिटी। सोशल पर्सनालिटी वो होता है जो दुनिया जानती है उसके बारे में कि वो कैसा है, जैसे आपके बारे में आपके मोहल्ले वाले जानते हैं कि ये लड़का कैसा है, ये लड़की कैसी है। और दूसरा पर्सनल पर्सनालिटी वो है कि कुछ लोग ही आते हैं जो जान पाते हैं कि आपके अंदर कि आप कौन हो, क्योंकि आपने कुछ पर्सनल बातों को उनके साथ शेयर किया होगा जो कि बाकी सब लोग नहीं जानते, बट कुछ पर्सनल लोग ही आपकी पर्सनल बातों को जानते हैं कि आप किस टाइप के इंसान हैं। दुनिया के सामने आप हंसते हैं बट असल में आप दुखी हैं, चाहे आप जैसे भी हैं। या आपके कुछ फ्रेंड को पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा, या फिर मम्मी पापा को पता होगा। उसी इंसान के अंदर एक होती है डार्क पर्सनैलिटी, उसका वो चेहरा जो आज तक कोई नहीं देखा, एक वो इंसान जो कभी किसी को मार नहीं सकता और अचानक वो मर्डर कर देता है। ये सुनने में जितना वियर्ड लगता है उससे 100 गुना ज़्यादा है। ऐसा तभी होता है कि एक इंसान जो देखने में लगता है एकदम भोला भाला और असल में वो साइको होता है, और आपको पता होगा साइको क्या होते हैं। हर एक इंसान के अंदर ये जो डार्क पर्सनल पर्सनैलिटी है ये तो होती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं हर एक इंसान की लाइफ में जो वो किसी को नहीं बताता सिवाय अपने आप को छोड़कर। कुछ ऐसे चीज़ें उसके साथ होती हैं और वो कुछ ऐसी चीज़ें करता है जिसके बारे में वो कभी किसी को नहीं बताता कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। और गाइस नीचे आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो लाइक से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great.